ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी सूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखो तेरी सूरत। हेलो, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। तो भाई साहब, इस यहाँ पर मेरे भी माता जी विराजमान है, तो मैं ये पंक्ति उनके लिए गा रहा हूँ। दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, अरे मेरे लिए तू जागी है माँ सारी सारी रतिया। ओ मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है, ओ माँ, वन और कांटों का ये जो दुनिया है, वन और कांटों का तो फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ, सबकी माँ, प्यारी माँ, अपनी माँ, भारत माँ। और ये एक संयोग ही बना है आज, और मेरा भी गौरव है कि 40 वर्षों में एक ऐसा क्षण मुझे जीने का मौका मिला है प्रकाश जी के साथ साथ। आज यहाँ भाई नरेंद्र जी कुमावत भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे भी आज यहाँ अपॉइंट हैं, और सौभाग्य से उनकी माताजी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो माँ ही होती है, देना है तो देना ही है, तो आँख को ऐसी रसाई दे और आई ना देखूँ मैं तो मेरी माँ दिखाई दे, ऐसा सुंदर वातावरण है। तो मैं उनको भी यहाँ इस मंच की ओर से, मेरे कलाकार दोस्तों की ओर से विनती करता हूँ कि वे भी यहाँ पर आएँ और हम सभी को आशीर्वाद दें। ये एक मौका हम सभी को मिला है, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे यहाँ पर। ये योगानुयोग हुआ है, 40 वर्षों में कभी ऐसा मौका नहीं मिला किसी आर्टिस्ट की माँ के दर्शन व्यासपीठ के ऊपर हुए हो। हम चाहेंगे उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, और वे जहाँ भी हैं वे भी यहाँ पर आगे पधारें ताकि उनका भी गुरुदेव आशीर्वाद दे सके, उनको भी स्वागत कर सके हम। और उसके बाद जैसा कि प्रॉमिस किया था आपके समक्ष 9 बजे, क्या प्रॉमिस था बोलो तो, क्या प्रॉमिस था बोलो जोर से, यस। अब वो दौर आ गया है, वो समय आ गया है, 10 दिन के इस गणेश उत्सव में भाई कुमार कृष्ण आचार्य जी, आज गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है, परम सदैव कैलाश जी भाई साहब
क्योंकि वो होते तो कार्यक्रम का नूर अलग ही होता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वे भी आज किसी न किसी रूप में हमको आशीर्वाद दे रहे हैं और उनकी विरासत को ये भाई कुमार कृष्ण आचार्य जी जिस तरीके से संभालते हैं, वैसी ही धीरता, वैसी ही गंभीरता, वैसा ही नेतृत्व लेकर के आप चल रहे हैं, तो ये पूरी ऑडियंस का आशीर्वाद आपको भी मिल रहा है। परम सदया माँ का नरेंद्र बाबू यहाँ आगे पधार जाएं, एक बार फिर जोरदार तालियां बजा करके इनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें हम सभी। और अब इस दौर को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह के मूड को लेकर आप बैठे हुए हैं, पिछले 3 घंटों से आप इंतजार जो कर रहे हैं, अब वो घड़ी हमारे बीच में आ गई है और जिस नाम से प्रकाश बाबू की पहचान बनी है, अब मैं आपको ले चल रहा हूं राजस्थान के उस दौर की ओर, उन मुगलों की ओर, जब महाराणा प्रताप ने हूँ भूख मरू हूँ प्यास मरू मेवाड़ धरा आजाद रहे, उस दौर को आगे बढ़ाते हुए महाराणा प्रताप ही एक ऐसे वीर शिरोमणि हुए जिन्होंने ये शंखनाद किया कि ऐ मुगलों, मैं राणा का रक्त व्यर्थ ही बहना मुझे न आता है, मैं राणा का रक्त व्यर्थ ही बहना मुझे न आता है, और मैं हूं ऐसा स्वप्न सच्चाई से जिसका नाता है, मैं माटी में मिल जाता हूं बीज लिए निर्माणों का, और मैं हूं ऐसा गीत जिसे आने वाला कल गाता है। पीढ़ियां बीत गई लेकिन आज भी राणा प्रताप को गाया जा रहा है। तो आइएगा, माधव तरक की कलम से सदी हुई और प्रकाश जी माली की आवाज में महाराणा प्रताप।